कितना अच्छा होता यदि लोगों के जीवन में दुख आता ही नहीं, पर ऐसा होता कहाँ है। हर किसी के जीवन में दुख है, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है अपने जीवन में। हम सभी नए नए लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं ताकि वो हमें खुशियाँ दे सके, ताकि वो हमें सुखी रख सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम जिनसे उम्मीद लगाते हैं वही हमारे उम्मीद को तोड़ देते हैं। जो लोग कहते हैं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों फिक्र करते हो, एक दिन ऐसा होता है कि वही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। जिनसे हम अपना सुख दुख शेयर करते हैं वही लोग हमारे दुख का वजह बन जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? हर किसी के मन में बस एक ही सवाल रहता है, आखिर हमारे साथ ही गलती क्यों होता है, क्यों हर बार हमें ही दुखी होना पड़ता है। जानते हैं इसका असली वजह क्या है? इसका असली वजह यह है कि आप हमेशा उन लोगों से आशाएं लगा बैठते हैं जो आपके लायक नहीं होता। आप अपने खुशी का आशा उनसे लगाए रहते हैं जो लोग खुद अपने जीवन में खुश नहीं हैं। जो खुद अपने जीवन में खुश नहीं है वो आपको कहाँ से खुश रख सकेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं जिन्हें खुद के स्वार्थ से बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता। आप यदि स्वार्थी लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे तो वो कभी भी आपको खुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद के स्वार्थ में है। आज कई ऐसे रिलेशंस हैं जिस रिलेशनशिप में मैं देखता हूँ कि यदि लड़का है या कोई लड़की है तो वो बस अपना स्वार्थ चाहता है। आजकल मैक्सिमम रिलेशनशिप जा करके फिजिकल रिलेशन पे ख़त्म हो जाता है। हर कोई फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच होता है और कुछ दिनों के बाद वो दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और फिर वो दोनों रोना शुरू कर देता है, या फिर दोनों में से कोई एक ना एक ज़रूर बहुत परेशान होता है। ये हर किसी के साथ होता है। आप किसी से भी प्यार मोहब्बत करते हैं ठीक बात है, लेकिन फिजिकली आप किसी के साथ तुरंत अटैच मत होइए, क्योंकि जो जितना फिजिकली अटैच होता है वह उतना ही इमोशनली और मेंटली परेशान हो जाता है ब्रेकअप के बाद। किसी भी इंसान पे भरोसा कीजिए, लेकिन उतना भी भरोसा मत कर लीजिए कि कल वो आपको छोड़कर चला जाए तो आप दुखी हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके जीवन में ऐसी ढेर सारी घटनाएं घटी होंगी जो कि आपको बार बार दुखी कर देता होगा, लेकिन आप उन घटनाओं को याद करके परेशान मत होइए। बस आप ये सोचिए जो हो गया वो एक एक्सीडेंट था, आप उस एक्सीडेंट को अपने यादों में मत लाइए। एक बार की बात है, अंधेरा परमात्मा के पास शिकायत लेकर गया कि हे परमात्मा, मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रकाश वहाँ आकर मुझे वहाँ से बिल्कुल गायब ही कर देता है, मैं क्या करूँ। तो परमात्मा बोले कोई बात नहीं, मैं प्रकाश से बात करूँगा। परमात्मा प्रकाश को बुलाए, बोले देखो जी, जहाँ भी अंधेरा जाता है तुम जा करके वहाँ उसको गायब कर देते हो, क्या बात है। प्रकाश ने जवाब दिया, मैं तो अंधेरा को जानता ही नहीं। जानते हैं आपके जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि आप खुशियों को लाना ही नहीं चाहते। यदि आप किसी घाव को बार बार देखिएगा तो बार बार उस घाव का याद आपके मन में आएगा और वो घाव का दर्द बढ़ता ही चला जाएगा। इसी तरह से है हमारा दुख। हम जिन दुख भरी बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो बातें हमें और भी ज़्यादा परेशान कर देती है। इसीलिए आप उन घटनाओं को याद ही मत कीजिए जो घटनाएं बार बार आपको परेशानियों में डाल देती है। इसीलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल आप ही के साथ कुछ घटनाएं नहीं होती है जो कि दुख देती है, बल्कि हर किसी के साथ होती है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत होने के बावजूद भी वो खुश ही रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ गलती होने के बाद वो अंदर से टूट जाते हैं। अब तो फैसला आपके हाथों में है, आपको खुश रहना है या दुखी होना है। एक बात जान लीजिए, परेशानियां हर किसी के जीवन में है। मैं यदि बोल रहा हूं तो हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, लेकिन हमारी खासियत यह है कि मैं कभी भी परेशानियों से घबराता नहीं हूं, बल्कि मैं ये जानता हूं कि परेशानियों का काम ही है हमारे जीवन में आना, हमें तोड़ना। लेकिन बहादुर व्यक्ति वो है जो परेशानियों से लड़कर, परेशानियों का डटकर सामना करके आगे बढ़ता है। समझ गए ना? तो आप खुश हो जाइए, और मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपके दोस्त हमेशा स्वस्थ रहें, साथ ही साथ आपका जीवन खुशियों से भरा हो। आज के लिए इतना ही है।